और हरदोई से बड़ी खबर आपको बताएं, जहां पर भाजपा संयोजक के घर पर हमले से हड़कंप। चुनावी रंजिश में सपाइयों पर हमले का आरोप। भाजपा नेता और उसके परिवार की जमकर पिटाई। घर में मौजूद 8 लोगों की जमकर पिटाई की गई है। सेक्टर संयोजक 3 महिलाएं समेत 8 लोग घायल हुए हैं। घर में मौजूद 8 लोगों पर हमला और 8 लोग घायल हुए हैं। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पेहानी थाना क्षेत्र के अहमी गांव का मामला। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भाजपा संयोजक के घर पर हमला, चुनावी रंजिश में सपाइयों पर हमले का आरोप। भाजपा नेता और उसके परिवार की जमकर पिटाई की गई है। घर में मौजूद 8 लोगों की जमकर पिटाई की गई है। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सेक्टर संयोजक 3 महिलाएं समेत 8 लोग घायल हुए हैं। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पिहानी थाना क्षेत्र के अहमी गांव का मामला। भाजपा संयोजक के घर पर हमला हुआ है। आप समझ सकते हैं अपराधियों के मनोबल कितने ज्यादा बढ़े हुए हैं। चुनावी रंजिश में सपाइयों पर हमले का आरोप है। भाजपा नेता और उसके परिवार की जमकर पिटाई। सेक्टर संयोजक 3 महिलाएं समेत 8 लोग घायल हुए हैं। बीजेपी नेता पर हमला हुआ है। भाजपा संयोजक के घर पर हमला। भारत समाचार की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। सपा नेता पर हमले का आरोप, चुनावी रंजिश में 8 लोग घायल हुए हैं। और मनोज हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ इसी खबर पर। मनोज, क्या कुछ इस पूरे मामले में अब तक सामने आया है? आरोप लगाया गया है सपाइयों पर, चुनावी रंजिश को लेकर क्या कुछ बात सामने आई है मनोज? जी हाँ बिल्कुल, पिहानी थाना क्षेत्र का अहमी गांव है। यहाँ पर सपाइयों ने भाजपाइयों को पीटा है, ऐसा भाजपा जिलाध्यक्ष का आरोप है। हालांकि इसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल इस पूरे मामले की पुलिस जांच कर रही है। और जो घायल है उनका ये कहना है कि लोग चुनावी रंजित को लेकर के घर में घुसे थे, लाठी डंडे से असलहे से धारदार हथियारों से हमला किया है। कुल मिला के हालत गंभीर है और फिलहाल पूरे मामले में पुलिस जद्दोजहद में जुटी है कि किस प्रकार से इस मामले को। कितने लोग थे मनोज, और घर वालों ने क्या कुछ पहचान कर पाई है उनके बारे में? कितने लोगों की संख्या थी ये? क्या कुछ लेकर आए थे अपने साथ मनोज? हाँ बिल्कुल, ऐसा परिवार वालों का कहना है कि करीब 7 से 8 लोग घर के अंदर घुसे, सबके हाथों में लाठी डंडे थे, धारदार हथियार थे, असलहे थे और धारदार हथियारों से ही इनकी सबकी पिटाई की गई है। परिवार वालों ने पहचान लिया है और पूरे मामले में फिलहाल जिला अस्पताल में भर्ती है और यहीं से तहरीर देने के प्रयास जारी है। शुक्रिया मनोज इन तमाम जानकारियों के लिए। सच्ची सहेली